उसको बड़े खरबपतियों ने खरीद लिया है। आपको जो दिख रहा है सच्चाई नहीं है, ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। जैसे इन्होंने आपको बताया कि हम परियोजना हमने बनाई, आप परियोजना में थी ना, है ना, याद है मुझे, खुल के बोलती थी खूब, है ना। हाँ, तो इन्होंने फैला दिया जैसे ये झूठ कि हम जमीन लूटने आए थे। इसी तरह से रोज रोज आप पर, आपकी जागरूकता पे ऐसे आक्रमण होता है। आपको बताया जाता है मोदी जी सबसे, दुनिया के सबसे सक्षम नेता है। मोदी जी के काल में 10 सालों में वो सारे काम हो गए जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। कुछ विकास नहीं हुआ था 70 सालों से, देश वहीं का वहीं था जहां अंग्रेजों ने छोड़ा था। सारा विकास मोदी जी ने 10 सालों में किया है, ये सुनाया जाता है आपको। आपको बताया जाता है कि देश में ऐसी तरक्की आ रही है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई भी है, एक सच्चाई जो आप जी रहे हैं, जो 10 सालों से इतनी बेरोजगारी हो गई है देश में, 45 सालों में इतनी ज्यादा बेरोजगारी नहीं हुई, 70 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। आप मुझे बताओ कौन परेशान नहीं है। मेरी बहनें दुकान जाती हो, सारा सामान खरीद के आ जाती हो, मान लो 5 सोच के जाती हो कि मुझे 5 सामान खरीदने हैं, ये सच है कि नहीं कि 3 तो छोड़ के आ जाती हो, है कि नहीं, सोचती हो कि चलो बाद में ले लेंगे, अभी जो जरूरी है वही लेंगे। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, यही लोग, यही आपकी सांसद, जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ दिल्ली में, सिलेंडर पे बैठ के मीडिया को बोली कि हम हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कैसे हो गया 1200 का हो गया, चुप। कौन खरीद रहा है ये सिलेंडर 1200 का, ये तो नहीं खरीद रही, आपको खरीदना पड़ता है, नहीं तो गैस नहीं है। आपको सिलेंडर दिया इन्होंने एक पहले शुरू में कि देखो बड़ी योजना आई है मुफ्त में सिलेंडर, बाद में भरना ही मुश्किल हो गया, भरवा नहीं पाई आप। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला पर अत्याचार होता है, जिसने अत्याचार की उसकी रक्षा हो रही है। यहां उन्नाव में नहीं हुआ था, आपने सुना होगा, एक महिला थी, नौजवान थी, उसके साथ अत्याचार हुआ, इन्होंने अत्याचारियों को बचाया। यही हुआ हाथरस में, वो लड़की, उसको जला दिया गया रात को, उसकी चिता जलाई, उसके माँ बाप ने देखा नहीं, पास नहीं जाने दिया, शासन प्रशासन पूरा उसके पक्ष में था जिसने अत्याचार किया था। जब मैं मिली उसकी माँ के से, फूट फूट के रोने लगी, कहीं मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाई, लेकिन कम से कम एक बार, आखिरी बार मुझे देखने तो देते, उसे देखने भी नहीं दिया। यह है मोदी जी की सरकार जिसमें आपकी ये सांसद है। महिलाओं की बातें करते हैं, किसानों की बातें करते हैं, किसान कितना परेशान है आज, हर सामान पर GST दे रहा है, हर सामान पर टैक्स है, खेती का हर सामान महंगा हो गया है, खेती से कमाई नहीं हो रही है। यहाँ आवारा पशु ऐसे घूम रहा है, आपको रात रात में खेती में जाना पड़ता है। आपने कभी सोचा था कि पूरे दिन इस गर्मी में आप खेती करोगे, पसीना बहाओगे, कमाई करने की कोशिश करोगे, और फिर रात को भी आपको बाहर जाकर मचान पे बैठना पड़ेगा पूरी रात आवारा पशुओं से अपनी खेतों की पहरेदारी करने के लिए? कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? लेकिन ये दिन आ गया है, और सालों से है, और इस समस्या को हल करने के लिए किसी ने कुछ कहा नहीं, किया नहीं, कोई सुनवाई नहीं है आपकी। आज खेती से कौन किसान कमा रहा है, किसकी आमदनी बन रही है? नौजवान बेरोजगार खड़े हैं, इनके लिए कोई स्कीम योजना नहीं है, 30 लाख पद खाली पड़े हुए केंद्र में। सरकार की अगर नीयत सही होती है तो नीतियां भी सही होती हैं। पिताजी की नीयत सही थी, यहां आते थे, श्रद्धा से आपकी देखभाल करते थे, तो ऐसी ऐसी नीतियां बनी, बड़े उद्योग आए, बड़ी बड़ी सड़कें बनी। ये सारी सड़कें जो आज भी आपको लखनऊ से जोड़ती हैं, हाईवे जो जितनी भी है कांग्रेस के काल में बनी है,